मास्टर भी कहा था इन दोनों की फाइट शुरू हो जाने के बीच में अगर डबल एंट्री रहती तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता इनके लिए। बिल्कुल, नियो के पास एक बढ़िया हाइट एडवांटेज है एंड पिछला फाइट तो गाइस काफी थोड़ा सा अच्छी नजर आई थी, लेकिन ग्लोबल के लिए वहां पर फाइट में इंक्लूजन अपना कराना वो थोड़ा सा महंगा साबित होता नजर आया। बट अभी के लिए नियो के जो साथी खिलाड़ी अगर आप देखेंगे ज़ीगोट आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से उस कंपाउंड में जो छोटा शैक है वहां पर जिस तरह से अटैक हमें देखने वाला और एक ही ग्रेनेड से यहां पर जरूर चलना चाहूंगा। यहां पर टीम गॉडी भी काफी क्लोज बैटल आई गेस लड़ रही है, लेकिन ये जो है ये काफी क्लोज बैटल होने वाली है। तभी अगर उस गॉड की बात करें तो एकेएम के साथ ऑलरेडी एक नॉक कर सकते हैं, दूसरा भी निकाल देंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। पहला एकेएम, दूसरा यहां पर वेक्टर से स्प्रे गॉड WNL, असली हो या नकली सर, हायर ग्राउंड ऊपर से एमवाईएम के पास है, उनके पास द बेस्ट फिनिशर पंक मौजूद है वहां पर। फैब यहां पर एक नया नाम मैं सुन पा रहा हूं, बट एक ओपनिंग तो निकालनी पड़ेगी एफएस को अगर यहां पर फाइट अपने खाते में लेके जानी है। ले लीजिए फैब को कर दिया डाउन, कम लावो ने क्वेश्चन कर दी बराबर, मिस्टिक सेंसी डाउन द रेट है, रोना यहां पर अभी के हील अप करते हुए सेंसी यहां पर डाउन द राउंड जा चुके हैं, जिनके पास हायर बाउंटी ऊपर से अब थोड़ा सा नीचे चल जा चुके हैं। रौनक के साथ का ये मन टू मन इट्स गॉट बी क्रूशियल, पंक वहां पर अभी के लिए डाउन कर देंगे पुकार को और साथ में रौनक को भी, और ये मुश्किल हो सकती है। नीचे से सेंसी का एक ग्रेनेड बहुत सी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। गमला बॉय मीन वाली अवर सेंसी को डाउन कर देंगे, ही इज एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट प्लेयर फॉर टीम एफएस राइट नाउ। एक के बाद एक नॉक हो सकती है, टैग 1v2, इट्स ऑल अप टू रौनक नाउ, बट आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम टू रिटेलिएट। एंड ये लीजिए कुछ और हुआ है, रिजल्ट्स हमारे सामने यहाँ पर जरूर से आ जाएंगे। बिल्कुल, एक लास्ट मोमेंट पे जो टेबल टर्न हुआ, एक बार रुकिए गाइस स्क्रीन के तरफ आके तो हम बोलना स्टार्ट करते हैं। सर एंड जिस तरह से आपने बताया गॉडल तो यहाँ पर मेरे ख्याल से फर्स्ट चुकी है और मेरे ख्याल से वो बंकर में जाते जाते ये गड्ढे में घुस गए। जब मैं छोटा था ना गेम्स वाइज तो एक वो आया था प्रिंस नाम का, तो गड्ढे में फंस गया था, पूरी सरकार लगी थी उसको निकालने में, उसको निकालने के बाद उसको 10 लाख का इनाम मिला था। मुझे लगता रैत को भी कुछ ना कुछ इनाम मिलने वाला है। जैसे हम बात कर रहे थे जल्दबाजी में अगर आप व्हीकल को चलाएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से गाड़ी भी पलटा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर से सिनेक्स भी यहाँ पर टेबल्स टर्न कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ओपन में रिवाइवल दे रहे हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था ओपन में रिवाइवल दे रहे हैं, गाड़ी पलट गई, गाड़ी का कवर नहीं मिल पाया मेरे ख्याल से, वो केएल सीट और हो चुका है निक्सन का और बचेंगे यहाँ पर अब मिड रेंज के अंदर TA17 नियो 1v1 के फाइट में और सिनेक्स के साथ। बट ये ब्लॉक सर देखिए अगर अच्छी पोजीशन में तो अभी तक के लिए नजर नहीं, बट अभी के नॉकआउट जरूर निकाला, एक और बढ़िया मौका है आपको 1v2 अभी के लिए हो चुका है। एंड बाकी जो दो खिलाड़ी है अगर यहाँ पर देखिए तीसरा खिलाड़ी भी अगर ये निकल जाता है नॉकआउट तब मैं बोल सकता हूँ ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्लचेस में से देखा जाएगा फिर। बिल्कुल नियो मेरे ख्याल से अब तक के लिए जो 1v2 कर चुके हैं इन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐसे आगे मत बढ़ो, मैं पूरा क्लच कर दूंगा और ये नीचे ज्यादा लगता रैप को भी कुछ ना कुछ इनाम मिलने वाला है। बिल्कुल, एंड यहाँ पर TSM वर्सेस गॉडल भी देखने मिलेगा, बट अभी के लिए एनिग्मा के पास एक बढ़िया मौका है कि यहाँ पर फाइट को थर्ड पार्टी एंगेजमेंट यहाँ पर ली जा सके, लेकिन वो खिलाड़ी कैसे भराएगा वो एक बड़ा सवाल है। बट अभी के लिए स्मोकी देखिए एक साइड तो फाइट कर रहे थे लेकिन मल्टीपल एंगल से यहाँ पर फाइट आ रही है एंड मेरे ख्याल से शायद अब TSM की टीम अब दोनों प्लेयर्स डाउन है, अब मौका रहेगा TA17 नियो के पास और उस मौके का फायदा उठाएंगे भी। और लुक एट द वेपन ही इज कैरिंग इन हिज हैंड, MK14 तक क्लोज रेंज 20, आवाज सुन के आपको मिले मौका आप किसी और को गेट कीप करें तो पीछे आपकी नजर होनी चाहिए। मीनवाइल 100 CC के असूर